वेलकम टू देसी गर्ल ट्रैवलर एंड वेलकम टू मुक्तेश्वर। क्योंकि मैं लास्ट व्लॉग में नैनीताल में थी और अब मैं मुक्तेश्वर में हूँ, तो नैनीताल और मुक्तेश्वर के बीच में बहुत सारी जगह है जो कि देखने लायक है। तो आई डिसाइडेड कि मुक्तेश्वर को प्रॉपरली एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको नैनीताल और मुक्तेश्वर के जो बीच की जगह है वहाँ पे लेके चलूंगी। बाय द वे, दिस इज द प्लेस वेयर आई एम स्टेइंग, इट्स कॉल्ड ओक क्लाइंबिंग रिजॉर्ट। बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह है रहने के लिए, पहाड़ों के बिल्कुल बीच में। तो आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्रॉपर टूर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं अभी जगह एक्सप्लोर करने के लिए और उसके बाद आके आई विल गिव यू अ टूर ऑफ दिस प्लेस। तो चलो। तो ये जीतू भैया हैं, ही टेक्स केयर ऑफ दिस ओक क्लाइंबिंग रिजॉर्ट और ये मुझे घुमाने वाले आज। पहुंच गई हूँ घोड़ाखाल, घोड़ाखाल मंदिर। ये एक बहुत ही अनोखा मंदिर है उत्तराखंड का। मैं हर मंदिर में उत्तराखंड में जहाँ जहाँ पहुंच रही हूँ यही एक बात कहती हूँ कि बहुत ही अनोखा मंदिर है। द रीज़न इज़ दैट हर मंदिर की कुछ ना कुछ कहानी है, वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आई जस्ट कांट हेल्प। साइट इज़ द मंदिर और मंदिर के बिल्कुल सामने इधर भीमताल का इतना अच्छा व्यू है। लेट मी शो यू, ये भीमताल का व्यू। हम मंदिर के ऊपर चलते हैं और वहाँ से चल के वी विल ट्राई एंड कैप्चर दिस। सिंस उत्तराखंड में टूरिज्म बिल्कुल अच्छे तरीके से अब ओपन हो गया है, तो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं कंपेयर टू ऑल द अदर प्लेसेस आई हैव बीन सो फार। इस मंदिर में थोड़ी सी भीड़ है। दड़ी है जाए मैया, दड़ी है जाए दड़ी यो भगवती ओ माता, मैया दड़ी है जाए दड़ी यो भगतों को पुकार, मैया जल्दी सुनिए जल्दी वो ते दड़ी है जाए, मैया दड़ी है जाए दड़ी। दिस इज़ गोलू देवता का मंदिर, घोड़ाखाल मंदिर बोलते हैं इसको क्योंकि ये घोड़ाखाल में है और ये गोलू देवता का मंदिर है जिनको कि न्याय का देवता माना जाता है। और ऐसा सब कुछ बहुत ही ज़्यादा हद तक सुंदर मंदिर था चित्तई का मंदिर। वहाँ पे स्टैम्प पेपर देखे थे मैंने, यहाँ पे स्टैम्प पेपर की कमी है बट यहाँ पे 1 करोड़ से भी ज़्यादा घंटियाँ टंगी हुई हैं। तो होता ये है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो चिट्ठी लिख के अपनी मन्नत मांगते हैं भगवान से, गोलू देवता से, और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो यहाँ पे एक घंटी टांग के चले जाते हैं। तो यहाँ पे कम से कम 1 करोड़ घंटियों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस मंदिर में मांगी गई सारी मन्नतें लोगों की पूरी होती है, ऐसा एटलीस्ट लोग मानते ही हैं। मैं भी भगवान के सामने अपनी अर्जी डाल के आती हूँ। आमर है गया देवा दोरी गोलाय, आहा आमर रह गया देवा दोरी गोलाय। इस मंदिर में वैसे तो बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है सालों भर, बट नवरात्रि के टाइम पे यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होती है। इस मंदिर में बंदर बहुत ज्यादा है और इस वजह से जब भी आप इस मंदिर में आओगे तो मेक श्योर कि आपके हाथ में प्रसाद ना हो, फोन कैमरा सब संभाल के रखना। एज आई एम स्पीकिंग मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ क्योंकि बंदर मेरा कैमरा उठा के ले जाएगा। एंड मंदिर के इस साइड पे भीमताल की इतनी प्यारी व्यू आ रही है। थोड़ा आगे आई थिंक 5 मिनट की ड्राइव पे देर इज दिस प्लेस कॉल्ड एज घोड़ाखाल लेक व्यू पॉइंट। सो दिस साइड यू गेट वेरी ब्यूटिफुल व्यू ऑफ भीमताल लेक। हम वहाँ पे एनी वे कल जा रहे हैं बट इतनी हाइट से वो जगह हम देख लेते हैं अभी। एवरीथिंग इज ओके बट पहाड़ों में आके पहाड़ों वाली चाय एंड पहाड़ों वाली मैगी, दीज टू आर लाइक, ऐसे मंदिर में जाके आप प्रसाद खाए बिना आपका मंदिर दर्शन पूरा नहीं होता। तो पहाड़ों में आके मैगी एंड चाय खाए बिना
पहाड़ों में आना पूरा नहीं होगा। एक फीकी दे दी मैंने, भैया इलायची डाली है चाय में, मैं बोलना भूल गई, मुझे अच्छी नहीं लगती इलायची। बना दोगे? अदरक के साथ, जूठी नहीं है ये, सिर्फ अदरक डालना, कम दूध चीनी नहीं चाहिए। आई एम सो फिनिकी व्हेन इट कम्स टू टी। आई फील उत्तराखंड में लोग हल्दी बहुत ज़्यादा खाते हैं। आई थिंक जो भी खाना मैं एक्स्ट्रा खाती हूँ उसमें हल्दी का टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट इस मैगी में भी दे हैव पुट ऊपर से हल्दी। फेमस टेम्पल ऑफ उत्तराखंड, कैंची धाम बोलते हैं इसको, इस मंदिर को। और ये मंदिर जो है नीम करोली बाबा का आश्रम है बेसिकली। दिस इज जस्ट 7 किलोमीटर्स फ्रॉम भोवाली, और नैनीताल से कुछ 17 किलोमीटर्स है, क्योंकि मैं मुक्तेश्वर के साइड से आई हूँ तो मुझे 1.5 आवर्स लगा। तो ये जो आश्रम है इसको 1962 में बनाया गया था। यहाँ पे एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स आए थे। आपको पता है कि एप्पल का जो लोगो है उसको, उसमें आप हाफ एप्पल क्यों देखते हो? ऐसा कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स जब यहाँ पे आए थे नीम करोली बाबा से मिलने के लिए, तो बाबा ने उन्हें एक एप्पल खाने को दिया था जो कि आधा था। तो स्टीव जॉब्स हैड दैट एप्पल, और इस वजह से उन्होंने अपने ब्रांड का नाम एप्पल रखा, और उस लोगो में आप हाफ एप्पल देखोगे। आई डोंट नो इस चीज़ की सच्चाई कहाँ तक है, बट दिस इज समथिंग आई हैव गॉट टू नो हियर। कैमरा इज़ नॉट अलाउड दैट साइड इनसाइड द आश्रम, तो मैं तो अभी फ़िलहाल अंदर जा रही हूँ आश्रम, क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं आपको अंदर लेके नहीं जा पाऊँगी। अंदर इतनी ज़्यादा शांति है, मतलब लोग हैं बहुत कम हैं बिकॉज ऑफ कोरोना, बट द एनर्जी ऑफ दिस प्लेस इज़ सो लाइक इट्स डिफरेंट, इट्स रियली डिफरेंट। बाय द वे आई सेड दैट कि इस आश्रम में स्टीव जॉब्स आए थे, सो नॉट ओनली स्टीव जॉब्स, इवन मार्क ज़करबर्ग हैज़ कम टू दिस आश्रम। यहाँ पे एवरी ईयर 15th of June को प्रतिष्ठा दिवस मनाया जाता है, उस दिन इस आश्रम की स्थापना हुई थी। सो 15th of June को यहाँ पे भंडारा बनाया जाता है, और मोर देन 1 लाख पीपल कम एंड ईट फूड। विश आई कुड जस्ट टेक यू गाइज इन साइड द आश्रम, बट पॉसिबल नहीं हो सकता। वो आश्रम में दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, आम जनता भी आती है, तो बस अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है ये आश्रम। उत्तराखंड में है, डू कम एंड विजिट। आपका नाम बताएंगे? संतोष रावल। मैंने सुना है कि यहाँ पे इस टी गार्डन में सिर्फ लेडीज काम करती हैं, ऐसा है क्या? हाँ, प्लकिंग लेडीज ही करती हैं। ऐसा क्यों? बस लेडीजों का हाथ कोमल होते हैं ना, बस उसके बाद फिर कलियाँ आ जाती हैं। अच्छा। कहने का मतलब यही है, भी यही सुना हमने भी है। हाँ, तब नहीं कलियाँ जल्दी, आदमी के हाथ से वो जो प्लकिंग करते हैं वहाँ का सूख जाता है कहते हैं। और मेजर लेवल पे यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी चल रही है। सो ऐसा कह रहे हैं कि लड़कियों को स्पेशली लाइक औरतों को वो चाय प्लक करने देते हैं, इसलिए क्योंकि उनके हाथ बहुत सॉफ्ट होते हैं, मुलायम हार्ड हो जाते हैं। ओके, तो ऐसा मानते हैं कि लड़कियों के हाथ से अगर वो टी के पत्ते टूटते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, वापस से बहुत जल्दी फूटते भी हैं। सो इस टी गार्डन में जाने के लिए यू हैव टू बाय अ टिकट। टिकट की जो प्राइस है वो 20 रुपीज़ है, एंड इफ़ यू आर टेकिंग अ वीडियो कैमरा इनसाइड देन यू हैव टू पे 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा। तो आप कॉल्ड श्याम खेत टी गार्डन, ये भोवाली से बहुत ही ज़्यादा पास है। यहाँ पे ऑर्गेनिक टी होती है। इस टी गार्डन में एवरी डे 11,000 किलोग्राम्स ऑफ टी दे प्रोड्यूस, 11,000 किलो चाय कितनी ज़्यादा होगी, मतलब मुझे नहीं पता मुझे कितने जन्म लेने पड़ेंगे इतनी ज़्यादा चाय पीने के लिए।
चाय है इसको वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट किया जाता है मेनली उत्तराखंड टी के नाम से। आज से कुछ 7-8 महीने पहले की बात है जब हमारी ज़िंदगी में कोरोना नहीं आया था, मेरा सपना था कि मैं सरसों के खेत में जाके शूट करूं। सरसों का खेत तो पॉसिबल नहीं हो पाया बट चाय की गार्डन में मैं ज़रूर पहुंच गई। आप यहाँ पे कब से काम कर रही हैं? हम 1995 से कर रहे हैं। 95 25-26 साल लगाया, 25-26 साल लगे। दिन के कितने घंटे काम करते हो यहाँ पे? हम सुबह 8:30 से शाम को 5 बजे तक। अच्छा। आधा घंटा दिन में लंच होता है। और कितने सालों भर? पूरे साल भर अभी तो ये अक्टूबर नवंबर तक तोड़ते हैं, मार्च से अप्रैल से अक्टूबर नवंबर तक तोड़ते हैं। उसके बाद अक्टूबर नवंबर से फिर सीजन कम हो जाता है ना, पत्तियों का सीजन कम हो जाता है। आंटी नमस्ते। नमस्ते। कटिंग करने में कितना फिर टाइम लगता है? लगता ही है 2-3-4 महीने 6 महीने लग जाते हैं। इसकी टेबल के तरह बनाना पड़ता है, जैसे खाने का टेबल होता है ना, तो कैंची से हम लोग इसको काटते हैं, बराबर बनाते हैं, फिर अगले साल अच्छी कलियाँ आती है। तो जैसे एक बार आपने टॉप वाला जो 2.5 बड है उसको तोड़ दिया। उसके बाद अगली बड आने में कितना टाइम लगता है? लग जाता है, आ जाता है 3-4 दिन में आ जाता है। तो मतलब ये तो फिर 3-4 दिनों में अगर आता है तो आप तोड़ते ही रहते होंगे? हाँ, तोड़ते ही रहते हैं। अभी जैसे हम इसको तोड़ लेंगे 3-4 दिन हफ्ते में ये फिर आ जाएगा, फिर अभी अक्टूबर नवंबर तक है, उसके बाद इसका सीजन खत्म हो जाता है। अच्छा। फिर पत्ती देना बंद कर देता है ना ये, फिर हम इसकी कटिंग करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। वेलकम। हमारा लंच का टाइम हो गया ना? कोई बात नहीं, आराम से खाना। फिर बाद में हमने साइड। ओके। सो वन मोर थिंग दैट आई रियली लव्ड अबाउट दिस टी गार्डन इज दैट यहाँ पे दे एम्प्लॉय वुमेन अलॉट। लाइक होल्ड ऑन, आई हैव टेकन अ रॉन्ग रूट, आई हैव टू बी केयरफुल। ओके, तो यहाँ पे आप जब भी टी गार्डन में आओगे यू विल सी अ लॉट ऑफ वुमेन वर्किंग हियर इन द गार्डन। एंड ऑल्सो ये बाहर के जो यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट हैं, चाय की दुकानें भी हैं, उन सब में आपको वुमेन मिलेंगी, तो विच इज़ अ गुड थिंग। आई जस्ट लव पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस दैट गिव एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन। लविंग दिस साउंड। कैन यू गाइस हियर द साउंड ऑफ द बर्ड्स? इट्स सो सूदिंग। Building is the main factory. So you can read here Uttarakhand, history of Uttarakhand tea and gallery. यहाँ पे चाय बनाते हैं वो लोग, but because of COVID this place is shut and they are not allowing any sort of visitors inside. Pretty good. I wish यहाँ पे कोई होता जो मुझे इस जगह का एक proper tour दे सकता था, but thanks to Corona नहीं है possible. ये first leaf है SDG Superfine, ये TG FOP, ये Broken। इन तीनों में सबसे अच्छा कौन है? सबसे अच्छा ही है। ये 1400 रुपए किलो है। सिर्फ ये पत्ता तोड़ते हैं ना, कोमल कली तोड़ते हैं। अच्छा, ये सबसे ऊपर जो मैंने गार्डन में देखी, सबसे जो छोटे वाले पत्ते होते हैं, कोमल कली, ये तोड़ी जाती है। ओके। ये अप्रैल से प्लकिंग होती है, अक्टूबर तक, अक्टूबर लास्ट तक। जो मीन बट आती है इसमें आ जाती है छन्नी में, फिर सेकंड में मोटी पत्तियां आती है, कलियां कम आती है, थर्ड में चूरा आ जाता है। सो ये 600 रुपए किलो जो चाय है इसमें आपको कलर थोड़ा तो गहरा मिलेगा बट टेस्ट वाइज इट वोंट बी दैट गुड। एंड दिस इज द टॉप क्लास नंबर 1, तो इसको 1400 रुपीज केजी। इसमें कलर भी लाइट है बट टेस्ट वाइज इट विल बी रियली गुड। सो इन केस यू गाइस आर कंफ्यूज्ड, दीज आर लाइक ऑर्गेनिक टी और बेसिकली इट्स लाइक अ वेरी लाइट सॉर्ट ऑफ टी। तो आप इसमें ब्लैक टी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, बट दूध वाली चाय नहीं पी सकते क्योंकि इसमें कलर नहीं आएगा। तो अगर आप मेरी तरह बहुत ज़्यादा कड़क चाय पीते हो तो मे बी मिक्स कर सकते हो ना, और इसकी लाइक स्मेल आ जाएगी नॉर्मल चाय में। हाँ, सो दिस इज द टी, इज कॉल्ड उत्तराखंड टी। एंड मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि दीज डेज वी प्रमोट अ प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया, दैट्स व्हाई आई कॉल इट लाइक वोकल फॉर लोकल। सो बाहर की चाय खरीदने से अच्छी बात है, लोकल चाय खरीदो। अभी के लिए इतना ही, अभी मैं अपने रिजॉर्ट पे वापस जा रही हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू गिव यू अ टूर ऑफ दिस ऑसम प्लेस रिजॉर्ट पे जहाँ मैं रुकी हुई हूँ। यू गाइस हैव टू वॉच इट बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस आई हैव एवर बीन। ये रही मेरी कार। और जीतू भैया चलते हैं।
Thank you.